गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आज सोशल की क्लास में हम आपको भारत के राज्य और राजधानियों को लर्न कराएंगे। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि भारत के कितने राज्य हैं। भारत के अब 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बच्चों, आप लोग एक चार्ट पेपर बनाइए। चार्ट पेपर पे सभी राज्य और उनकी राजधानियों के नाम लिखिए उस पर, और उस चार्ट को अपने रूम में पेस्ट कर लीजिए, तो जिससे आपको ये लर्न करने में बहुत आसानी होगी। चलते फिरते, घूमते खेलते आपकी नज़र उस चार्ट पर पड़ेगी और आप उन रोज़ रोज़ राज्यों को और उनकी राजधानियों को बोलेंगे तो लर्न हो जाएंगे इजिली। ठीक, तो ये काम सबको करना है कि एक चार्ट तैयार करना है जिस पर राज्य और उनकी राजधानियों के नाम लिखने हैं। दूसरी बात, आपको ये लर्न करके राज्य और राजधानियाँ, इनकी अपनी एक वीडियो बनाकर हमें सेंड करनी है। समझे आप क्या करना है? आपको सभी राज्य और राजधानी, अभी केंद्र शासित प्रदेश की मत बनाइए, केवल राज्यों और राजधानियों को ही लर्न करके और उनकी एक सुनाते हुए, पूरे 28 राज्यों के नाम और उनकी राजधानी सुनाते हुए एक वीडियो बनाइए और उस वीडियो को अपने ग्रुप पर भेजिए। ये वीडियो आपको सैटरडे तक भेज देनी है। ये वीडियो आपको अगले 3-4 दिनों के बीच में लर्न करने के बाद भेज देनी है। ठीक है, चलिए आगे लर्न करना शुरू करते हैं। ये हैं सारे राज्य, राज्यों के नाम। जैसे आप इनको ऐसे ही लाइन से ही लर्न करिएगा तो आपको इजीली लर्न होंगे। जैसे पहले आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की अमरावती है। अब हैदराबाद किसकी हो गई है? हैदराबाद तेलंगाना की हो गई है। आंध्र प्रदेश में ही पहले तेलंगाना भी आता था, परंतु तेलंगाना अलग हो चुका है, तो तेलंगाना की हैदराबाद हो गई है और आंध्र प्रदेश की अमरावती। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, असम, दिसपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, झारखंड, रांची, कर्नाटक, कर्नाटक की कौन सी है, कर्नाटक, बंगलौर, केरल, तिरुअनंतपुरम, इसको ठीक से प्रोनाउंस करना सीखिएगा, तिरुअनंतपुरम। नेक्स्ट मध्य प्रदेश, भोपाल और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की मुंबई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर पे क्या है? 15 नंबर पे है मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, आइजोल। नेक्स्ट वन इज नागालैंड, कोहिमा, नागालैंड, कोहिमा, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गंगटोक, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तराखंड, देहरादून, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और पश्चिम बंगाल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। ठीक, तो कितने राज्य हो गए? 28 राज्य। आपकी बुक में 29 राज्य दिए हुए हैं, उससे लर्न मत करिएगा, इसी से लर्न करिएगा। बुक में जो जम्मू कश्मीर भी दिया हुआ है वो उसमें नहीं आएगा। राज्य में जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया है? एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं आएगा। तो कितने राज्य होंगे? 28 राज्य। इन 28 राज्यों को ही याद करके और इनकी कैपिटल्स को याद करके अपनी एक वीडियो बना के भेजिएगा। नेक्स्ट चलिए केंद्र शासित प्रदेश पढ़ लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सब फर्स्ट वन क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सेकेंड चंडीगढ़। थर्ड दादरा और नगर हवेली। फोर्थ दमन और दीव। फिफ्थ लक्षद्वीप।
6 पांडुचेरी, 7 दिल्ली, 8 जम्मू और कश्मीर एंड 9 लद्दाख। तो ये आपके 9 क्या हो गए, केंद्र शासित प्रदेश। आपकी बुक में 7 केंद्र शासित प्रदेश दिए हैं, पर आपको कितने याद करने हैं, 9, क्योंकि एक जम्मू कश्मीर भी हो गया और लद्दाख भी, जो पहले जम्मू कश्मीर में आता था, अब ये अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो कितने, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो आप लोग इन्हें ज़रूर लर्न करिए और इसकी वीडियो हमें सेंड करिए। ओके, बाय बाय।